मशहूर अभिनेता और सांसद रवि किशन का पूरा बचपन एक चाल में गुजरा है। बता दें कि रवि किशन के पिता पुजारी थे और मुंबई में ही डेयरी का काम करते थे। डेयरी का काम बंद होने के बाद रवि किशन के पूरे परिवार को पैतृक घर जौनपुर में शिफ्ट होना पड़ा। हालांकि उनके सपनों ने एक बार उन्हें मुंबई खींच लाई, जहाँ उन्होंने एक बार फिर चाल में रहकर अपना जीवन काटा और वो मुकाम हासिल किया जहाँ वह जाना चाहते थे। बता दें कि रवि किशन को भोजपुरी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहा जाता है। उन्होंने अपने मुकाम तक आने के लिए काफ़ी कुछ सहा है। एक बार रवि किशन ने अपने करियर स्ट्रगल के बारे में बताते हुए कहा था, उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे वो डांस करें या एक्टिंग करें। उन्होंने बताया था कि वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, उन्हें बचपन से एक्टिंग का शौक था। ऐसे में घर वालों से छुपकर रामलीला में सीता का रोल प्ले करते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें देख लिया और उनकी खूब पिटाई की। ऐसे में रवि किशन जब 17 साल के थे तब 500 रुपये लेकर मुंबई भाग आए थे। यहाँ उनके पास न रहने को घर था, न पेट भर खाने के लिए कोई काम। रवि किशन सांता क्रूज के एक चाल में रहने लगे। यहीं से वो ऑडिशन के लिए जाते, कई बार काम तो मिलता लेकिन पैसे नहीं मिलते। उन्होंने कहा था कि लोग मुंबई में पैदल चलकर ऊपर आते हैं, मैं रिंग कर ऊपर आया हूँ। मैं पैसे के पीछे नहीं, फिल्म के पीछे भागता था। एक्टर का कहना था कि वह उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जिसमें उन्हें पैसे नहीं मिले। हालांकि रवि किशन के किस्मत का भी सितारा चमका जब उन्हें पीताम्बर फिल्म से पहला ब्रेक मिला। यह फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्हें टीवी सीरियल हेलो इंस्पेक्टर में काम मिला। रवि किशन पहली बार तब सुर्खियों में आए जब साल 2003 में सलमान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में उन्हें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका ने उन्हें स्टार बना दिया। तेरे नाम के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इसी साल रवि ने भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी पकड़ की। साल 2003 में रवि किशन ने सैया हमार से भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा और दर्शकों पर छा गए। तेरे नाम और सैया हमार की सफलता के बाद रवि किशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि किशन ने अब तक हिंदी, भोजपुरी और दक्षिण भारतीय भाषाओं को मिलाकर 200 से ज़्यादा फिल्में की है। रवि किशन भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन आज भी लाखों फैंस उनके दीवाने हैं। बताते चले कि कभी 500 रुपए लेकर भागने वाले रवि किशन आज करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।